रियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले थंगवेलु मरियप्पन तीसरे पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पैरा एशियन गेम्स 6 से 13 अक्टूबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने हैं। भारत ने पैरा एशियन गेम्स में 305 सदस्यीय दल उतारा है। इनमें 197 खिलाड़ियों के अलावा कोच, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी शामिल है। ये पैरा गेम्स में भारत का सबसे बड़ा दल भी है। 23 साल के मरियप्पन ने 2016 में रियो में T42 कैटेगरी के हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने 2017 में अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मरियप्पन वर्ल्ड पैरा गेम्स में भी मेडल जीत चुके हैं। थंगवेलु मरियप्पन की इस कामयाबी के पीछे माँ सरोज का अहम रोल है। तमिलनाडु के सालम जिले में जन्मे थंगवेलु का जीवन बेहद गरीबी में गुजरा। एक समय उनके पिता ने परिवार को ठुकरा दिया था, तब माँ ने थंगवेलु समेत 6 बच्चों को पाला। थंगवेलु की माँ ने परिवार पालने के लिए ईंट भट्टे पर काम किया। इसमें भी परिवार पालना मुश्किल हो गया तो सब्जी बेचनी शुरू करी। थंगवेलु बचपन में पूरी तरह सेहतमंद थे, लेकिन 5 साल की उम्र में बस एक्सीडेंट ने उनका एक पैर छीन लिया। दिव्यांग होने के बावजूद थंगवेलु ने हार नहीं मानी। वे पढ़ाई करते रहे और खेलते भी रहे। शुरू में वे वॉलीबॉल खेलते थे। उनकी छलांग देखकर स्कूल के फिजिकल इंस्ट्रक्टर ने उन्हें हाई जंप में हिस्सा लेने की सलाह दी। 2014 में वे एक प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आए। यहीं से उनका खेल करियर शुरू हुआ। थंगवेलु ने 2015 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री ली। अब वे MBA करना चाहते थे। थंगवेलु ने अपने प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा खेत खरीदने पर खर्च किया ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। भारतीय दल के 60 खिलाड़ी जकार्ता पहुंच चुके हैं। हालांकि सोमवार को जब ये खिलाड़ी खेलगांव पहुंचे, तो उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया था। आयोजकों की ओर से कहा गया कि खेल मंत्रालय ने $2.5 लाख का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अधिकारियों ने लिखित में दिया कि 4 अक्टूबर तक भुगतान कर दिया जाएगा, तब खिलाड़ियों को खेलगांव में प्रवेश की स्वीकृति दी गई। For more information, log on to www.clips.in.